यो व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इंट्रो से ही आपको पता चल गया होगा कि आज हम लोग किसका पोर्ट्रेट बनाने वाले हैं, या टेक्नो गेमर्स का। फाइनली 3 महीने के बाद वीडियो शूट कर रहे हैं यार, ये तो 4 हो गए, 3 महीने। अच्छा हाँ, थैंक यू सो मच यार, आपके सपोर्ट के वजह से फाइनली हमने 300 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए हैं। इतनी खुशी मुझे आज तक। और एक बात जो शायद ही आपको पता हो, आज हमारे चैनल को पूरे के पूरे 1 साल कंप्लीट हो गए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, एंड स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। ओके, सो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे कलर पेंसिल से, ये बेसिकली वाटर कलर पेंसिल्स हैं, तो आप कैसे कलर पेंसिल से पोर्ट्रेट बना सकते हैं, मोनोक्रोम पोर्ट्रेट। एंड अगर आप वाटर कलर पेंसिल्स यूज़ करेंगे देन बाद में आप इसको वाटर कलर पेंटिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो उसका एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम वाटर कलर पेंसिल से बने हुए पोर्ट्रेट को वाटर कलर पेंटिंग में कन्वर्ट करेंगे। एंड ऑल्सो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि हाउ टू ड्रॉ आउटलाइंस। लोग मुझे बोल भी रहे थे कि आप इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाओ, सो या हियर इट इज़। सो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सो पहले 3 लाइंस ड्रॉ करेंगे आइज, नोज और लिप्स के लिए। ये जरूरी नहीं है कि वो उन्हीं के ऊपर आए, लाइंस सिर्फ इसलिए ड्रॉ करेंगे ताकि पिक्चर सीधा बने। एंड या जो मैंने एक बार पहले भी बताया था कि हम आंखों से ड्राइंग स्टार्ट करेंगे ताकि हमें सही मेजरमेंट मिले। मोनोक्रोम पोर्ट्रेट का मतलब ही यही है कि हम एक ही कलर से पूरा ड्राइंग कंप्लीट करें। एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि बहुत सारे पिक्चर्स में ऐसे होते हैं कि दोनों आँखों का साइज और आँखों के बीच में जो गैप होता है उसका साइज सेम होता है, एंड ऑल्सो नोज़ का साइज भी आँखों के साइज़ के साथ सेम होता है। लेकिन कुछ पिक्चर्स जो साइड से लिए गए होते हैं उनमें ये थ्योरी काम नहीं करती, और इरेजर का आपको कम से कम ही इस्तेमाल करना है। अब जैसे मैं ये सीधे ही कलर पेंसिल से स्टार्ट कर रही हूँ, तो अगर कहीं पे गलती होती भी है देन आई कैंट यूज़ इरेजर, मुझे शेडिंग से ही उसे छिपाना पड़ेगा। मैंने हेयर्स के ऊपर एक वीडियो बना रखी है, आप चाहो तो उसे भी देख सकते हो। ऐसे पोर्ट्रेट्स में बहुत ज़्यादा शेडिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आप अगर चाहो तो आप शेडिंग कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ जहाँ पे शेडो आ रहा है या डेप्थ वाला एरिया है वहीं पे ही शेडिंग कर रही हूँ, और अगर कहीं पे लाइट शेडिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो वहीं पे मैं लाइट शेडिंग कर रही हूँ। और हाँ, यूट्यूब खुद कह रहा है कि 57% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, अरे कर लो ना यार, फ्री है। सो फाइनली पोर्ट्रेट कंप्लीट हो चुका है और अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है। सो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा देन प्लीज़ लाइक कर देना, एंड ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। एंड या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।